और कब हुआ था, क्या कारण थे, पढ़ा होगा? सर, मैं दो देशों के युद्ध थे। कौन कौन से देश? जर्मनी था, फ्रांस था और अमेरिका था। अमेरिका भी था और रूस था सर। और इंग्लैंड भी था। क्यों हुआ युद्ध बता सकते हैं सर? एक तो औपनिवेशिक काल चल रहा था। हाँ देखो, प्रथम विश्वयुद्ध क्वेश्चन जो आएगा इसके कारण बताओ, कारण के साथ साथ कुछ इसमें जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में, इस युद्ध के परिणाम क्या हुए उनके बारे में, और कुछ संधियां होती हैं उनके बारे में, इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। ठीक, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लो कि क्यों ये युद्ध हुआ था, क्या ज़रूरत पड़ी थी इस युद्ध को। फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा था कि नेपोलियन आ जाता है। नेपोलियन मतलब फ्रांस की क्रांति, अगर याद हो आपको पहले क्या था, वहाँ पर लुईस 16 जो था इसके खिलाफ क्रांति हुई और टेनिस कोर्ट की शपथ होती है, थर्ड स्टेट ने टेनिस कोर्ट की शपथ लेके अपने आप को राष्ट्रीय सभा के रूप में डिक्लेयर कर दिया था और इन्होंने अपना एक नया संविधान बनाया। उस संविधान के हिसाब से फ्रांस में क्या व्यवस्था शुरू हुई थी, राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक गणतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रकार से राजतंत्र आ गया था। फिर उस संविधान सभा के अंतर्गत वहाँ पर संसद बनाई गई एक सदनीय और उसके चुनाव होते हैं, तब यहाँ पर आया था नेशनल कन्वेंशन। याद है नहीं याद है तो क्या फ़ायदा, राष्ट्रीय कन्वेंशन, इसमें दो ग्रुप थे, एक जेरोनास्तो और एक जैकोविंस। ठीक, इनके द्वारा नया संविधान फिर बनाया गया और उसके अंतर्गत प्रशासन चलाने लगी थी डायरेक्टरी, पांच सदस्यों वाली ये होती थी और डायरेक्टरी के समय काफ़ी विद्रोह हो रहे थे। तो विद्रोह होने की वजह से फिर क्या हुआ था, सेना की मदद लेनी पड़ी थी और वहाँ आ गया था नेपोलियन। नेपोलियन ने डायरेक्टरी को ख़त्म किया था और कॉन्सुलेट रूल शुरू किया, अपने आप को पहला कॉन्सुल डिक्लेयर कर दिया था, आगे चलकर स्वयं बन गया था शासक फ्रांस का। प्रशा को हराया, उसने रूस को हराया, उसने ऑस्ट्रिया को हराया और इंग्लैंड को पराजित करने का उसका प्लान था, लेकिन वाटरलू के युद्ध में ये पराजित हो जाता है। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ तक ये हम फ्रांस की क्रांति में देख चुके हैं। इसको बंद करो, ये वाले को, फ्रांस की क्रांति में हम ये देख चुके हैं। अब हुआ ये, नेपोलियन को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप में रख दिया, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो जिन लोगों ने हराया था इसको, वो इंग्लैंड, इसके साथ ऑस्ट्रिया, रूस। अब नेपोलियन ने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किया था यूरोप में, तो इनके बीच उसके क्षेत्रों को आपस में कैसे बांटा जाए, तो उसके लिए इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। और कहाँ बुलाई मीटिंग? बुलाई थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इस मीटिंग का चेयरमैन बनाया गया मेटरनिक, ये कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इसका नेचर कैसा था, लोकतंत्र के कट्टर विरोधी रूप में था, यानी ऑटोक्रेटिक था, निरंकुश व्यक्ति था। तो ये घटना क्या बताती है कि अब घटना ये बताती है कि विश्व युद्ध की स्थितियां क्यों निर्मित होती हैं। तो बचे हुए साम्राज्य पर बंटवारे के लिए सब अपने अपने स्वहित में, स्वार्थ में काम करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि अभी सारे देशों में क्रांतियां चल रही हैं। क्रांति का मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर जो सत्ता है राजाओं के पास, उनसे नागरिक डिमांड करते हैं कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे दो। तो क्रांति हो रही है, क्रांति हो रही है, इसका मतलब क्या है, राष्ट्रवाद बहुत अच्छे से विकसित हो चुका है, नेशनलिज्म की भावना आ चुकी है पुनर्जागरण के बाद। इधर इटली अपने साम्राज्य को एकजुट कर रहा है, जर्मनी में ग्रेट बिस्मार्क आ जाता है, वो अपनी सत्ता को बढ़ाने में लगा हुआ है, अपने देश को एम्पावर कर रहा है। इंग्लैंड क्या कर रहा है, इंग्लैंड अपने कॉलोनी का विस्तार कर रहा है, उपनिवेश इन्हें कहते थे, सबके अपने अपने हित हैं। क्यों कर रहा है, क्योंकि औद्योगिकीकरण इंग्लैंड में हो चुका है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कच्चा माल चाहिए और बने हुए माल को बेचने के लिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बाजार की। तो इन सब के लिए वो उपनिवेश खोज रहा है। यानी यूरोप के सभी देश अपने अपनी सत्ता बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो अब ये निश्चित दिखने लगा है कि आपस में ये सब लड़ने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं। यानी यूरोप अब ऐसे ढेर पर बैठा है जिसके नीचे टाइम बम लगा है, पता नहीं कब फटेगा। तो ये बैकग्राउंड से समझ में आ रहा है स्थितियां क्यों खराब हो रही हैं। तो यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ सब अपने अपने देश को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना जब ज़्यादा उग्र हो जाती है तो दूसरे देश को वो हड़पना चाहता है। ठीक, ये स्थितियाँ बनती हैं। नेक्स्ट, अब हर देश आपस में कॉन्फिडेंशियल ट्रीटीज कर रहा है, संधियां कर रहा है गुप्त रूप से, कि कैसे कि दूसरा देश हम पर आक्रमण करे तो उससे बचने के लिए तीसरे देश से पहले ही समझौता कर लो, तो ऐसी सिचुएशन में वो हमारे साथ आ जाएगा। तो ऐसी गुप्त संधियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, जिसकी शुरुआत जो की थी वो फ्रांस ने की थी। राइट, गुटबाजी निर्मित हो गई, दो गुट बन जाते हैं, एक को नाम देते हैं ट्रिपल अलायंस, त्रिगुट मैत्री, और एक को नाम देते हैं ट्रिपल एंटेंट। एक में जर्मन, एक में रूस रहेगा, फ्रांस रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, इसके साथ ही इटली भी आ जाता है, दूसरे में जर्मनी रहेगा, इसके साथ कौन रहेगा, ऑस्ट्रिया रहेगा। ठीक, ऐसे करके ये गुट, अभी हम आगे इसको देखेंगे। तो ये स्थिति क्या बताती है, ये स्थिति बताती है कि अब यूरोप में संघर्ष दो देशों के बीच नहीं होने वाला है, अगर संघर्ष होगा तो एक से ज़्यादा देश इसमें भागीदार होंगे। तो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड से हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्यों युद्ध की स्थितियां बनती जा रही हैं। युद्ध एक दिन में तो छिड़ेगा नहीं, कारण होंगे बड़े बड़े, तो कारण यहाँ पर आते हैं। अब मूल रूप से उन कारणों को देख लो, जिनको आप लिखेंगे कि इन कारणों की वजह से प्रथम विश्वयुद्ध हुआ। पहला है उग्र राष्ट्रीयता की भावनाएं। हर देश ये कहता है मैं, मेरा देश ही सब कुछ है, बाकी विश्व में कोई कुछ नहीं। जब आप ऐसा बोलोगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप में अंदर दूसरे देश के प्रति सहिष्णुता या टॉलरेंस के भाव नहीं होंगे। तो ये वो समय था जब राष्ट्रीयता की भावना अपने चरम पर थी, पीक पर थी, जिसमें स्वयं और अपने राष्ट्र को ही श्रेष्ठ बनाने पर जोर दिया जाता था। ठीक, अब इससे दूसरे देशों के बीच कौन सा भाव आएगा, घृणा का, नफरत का, तनाव का, संघर्ष का, तो ये भाव अंदर ही अंदर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो उसका रिजल्ट जो मिलेगा वो किस रूप में मिला, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आ जाता है। तो पहला कारण उग्र राष्ट्रीयता की भावनाएं, यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म। लिख पाओगे अपने शब्दों में इसको, एक से दो सेंटेंस बना करके, बस इतना आपको करना है, जरूरी नहीं आप एजिट ऐसा लिखो, आप इन शब्दों को बदल करके भी अपने ढंग से, मतलब बात के का अर्थ पूरा हो, स्पष्टता हो, लिख देना चाहिए। दूसरा कारण, ये कई सारी जो कॉन्फिडेंशियल ट्रीटीज हो रही थी वो बिस्मार्क सबसे पहले, सॉरी मैंने रूस बोल दिया था, जर्मनी के बिस्मार्क के द्वारा ये कोशिश पहले शुरू की गई। जब जर्मनी शुरू करता है, पहले इंग्लैंड इस संधियों के खिलाफ था, लेकिन जब उसने देखा कि दूसरे हमारे जो दुश्मन देश हैं वो अपना ग्रुप बनाए जा रहे हैं, अगर इन्होंने एक साथ आक्रमण कर दिया तो हमें भी तो इनको घेरने के लिए कुछ काम करना चाहिए। जैसे आज देखो कि भारत के खिलाफ कौन कौन लगा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चीन, ध्यान रखना, ना कि पाकिस्तान, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। चीन किसको समर्थन दे रहा है, इस साइड में आता है पाकिस्तान खुले रूप से, नीचे भारत के आता है श्रीलंका, श्रीलंका को भी चीन प्रमोट करता है, इधर आता है मालदीव, यहाँ पर भी चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, इधर भूटान, नेपाल में पहले एकमात्र हिंदू राष्ट्र होता था, अब वहाँ पर भी कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्ट विश्व के किसी भी देश में रहें वो अपने आप को एक मानते हैं, यूनाइटेड मानते हैं, साम्यवादी जो होते हैं। तो चीन भी साम्यवादी है, रूस भी साम्यवादी है, नेपाल में भी अब कम्युनिस्ट आ गया है। तो ये सब क्या करने की कोशिश, और हम कैसे हैं, हम भले मानुष लोग हैं, अपने आप को क्या लिखते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। ठीक,
तो इसी प्रकार से यूरोप में वो स्थितियां उस समय निर्मित हो गई थी कि हर देश अपने लिए गठबंधन बनाया जा रहा है, तो फिर धीरे धीरे सभी ने इसकी शुरुआत की और सब धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो गुट ग्रोह बन जाएंगे, गुट बन जाएंगे, अकेला नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चार लोग हैं साथ में। तो आपने देखा होगा कि एक दुबला पतला सा व्यक्ति कभी जाता है तो किसी से झगड़ा नहीं करता, और लेकिन जब कोई रैली जुलूस में शामिल हो जाता है तो वही सबसे ज़्यादा हरकतें करता है। क्यों करता है? क्योंकि समूह का बल उसको मिल जाता है, उसे मालूम है कि यहाँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी है, तो सबसे ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें वही करता है। तो वही स्थिति अब यहाँ पर होने लगती है। नेक्स्ट, आर्थिक साम्राज्यवाद। ठीक, साम्राज्यवाद को इम्पीरियलिज्म कहते हैं और उपनिवेशवाद को कॉलोनिज्म कहते हैं, नई नई कॉलोनियां बनाना। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि अपने क्षेत्र को और ज्यादा विस्तारित करना। तो अब 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी की हो रही है शुरुआत। यूरोप के देशों में औद्योगिक रूप से क्या होने लगा? कंपटीशन। इंग्लैंड से शुरू हुआ, जर्मनी भी आगे बढ़ रहा है, फ्रांस भी आगे बढ़ रहा है। जब औद्योगिक विकास होगा तो इस औद्योगिक विकास की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं। पहला है रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए। दूसरा है मशीनों से सामान ज़्यादा बनेगा तो उसके लिए बेचने के लिए नया बाजार चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें तभी मिलेंगी जब आपके सामने और भी बड़े बड़े देश हों, भूभाग हो, तो इसको लेकर इनमें कंपटीशन होने लगा और आर्थिक साम्राज्यवाद। तो आपस में वैमनस्यता यानी बंधुता का कोई भाव नहीं रहा, इस ढंग से ये काम करते हैं। तो ये भी वैमनस्यता और ज़्यादा जब एग्रेसिव हो जाती है तो फिर लोग आपस में फाइट करने के लिए कभी भी किसी भी स्थिति में तैयार हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तीन कारण हो गए। अगला आता है उपनिवेशवाद। चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, इन सब ने क्या किया था? अपने यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर दिया, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, कोयला मिला, आयरन एंड स्टील मिला, सब निकाल दिया, लेकिन मशीनें तो काम करना बंद नहीं होंगी। तो फिर नए 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 उपनिवेश खोजते हैं, नए उपनिवेश। जैसे भारत को आप देखो, भारत में कितने लोग आए यूरोप से? पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के जाने के बाद फिर डच किसको कहते हैं? हॉलैंड के निवासियों को डच कहते थे। तो पहले पुर्तगीज आए, फिर डच, वो भी आते हैं यहाँ पर कोशिश करने, फिर अंग्रेज आ जाते हैं, फिर फ्रेंच आ जाते हैं, और मूल रूप से फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों यहाँ लड़े थे कि नहीं लड़े थे? कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है, तीन कर्नाटक के युद्ध हुए थे। तो क्यों लड़े थे? क्या हमारी भलाई के लिए लड़ रहे थे? उनको हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाना था और हमें बाजार के रूप में निर्मित करना था। तो एक भारत में ही झगड़ा नहीं हुआ था, ये यूरोपीय देश सभी जगह आपस में यही कर रहे थे। रेस बनी हुई थी कि कौन कितनी जल्दी इन पर अधिकार कर ले, जिससे इनमें टकराहट बढ़ती जाती है। तो टकराहट बढ़ेगी तो स्वाभाविक है, आगे चलकर बड़ी फाइट होगी, अभी तो छोटी मोटी फाइट चल रही। अगला आता है उग्र सैनिक बात। सभी देश अपनी सेना में वृद्धि कर रहे हैं, है ना? ये उत्तरायण नहीं, उत्तरार्ध बोलेंगे इसको, है ना? उत्तरार्ध मतलब फाइनल बोल सकते हैं, जैसे एक प्रीवियस होता है ऐसे फाइनल। उसी प्रकार से 19वीं सदी के अंत में, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यूरोप के सभी देश अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहे हैं। आपने देखा था कि फ्रांस की जब क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति में जब नेशनल कन्वेंशन आता है तो उसने 6 लाख की सेना बढ़ा दी थी, 6 लाख लोगों को भर्ती किया था। सेना मजबूत है, मतलब अब आपको डरने की जरूरत नहीं। तो जर्मनी ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम अपनी नेवी को इंग्लैंड से भी एडवांस लेवल की बनाने जा रहे हैं। क्यों अनाउंसमेंट करा? क्योंकि उस दौरान विश्व की सबसे बड़ी अगर आर्मी थी, नेवी जो सबसे स्ट्रांग थी, वो इंग्लैंड की थी। तो जर्मनी ओपनली इसको कह देता है तो इंग्लैंड को तो बुरा लगेगा, भाई ये देश हमारा पड़ोसी हो, हमसे भी अच्छी एडवांस सेना बनाने जा रहा है। तो अब यहाँ पर रेस शुरू हो जाती है, यानी हर व्यक्ति में, हर देश में अपनी अपनी स्ट्रेंथ को, पावर को, और ये किया भी जाता है, आज भी सभी देश कर रहे हैं। भारत भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी लगा है, चीन भी लगा है, अमेरिका भी लगा है। क्योंकि आप अपने देश को तभी सुरक्षित रख सकते हो जब आपके देश में सेना मजबूत होती है, बाहरी आक्रमण से भी और इंटरनल भी।
ठीक, तो ये उन्नत करने की घोषणा करते हैं तो इन दोनों में संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। फिर अब मैटर आता है फ्रांस और जर्मनी को लेकर कि जर्मनी क्या करता है। फ्रांस का ये कुछ रीजन था जिसे अल्सास और लॉरेन के नाम से जाना जाता है, अल्सास रीजन और लॉरेन रीजन, इस पर जर्मनी ने कर लिया अधिकार। अब किसी के क्षेत्र पर आप अधिकार करोगे तो भी वो दोस्ती निभाएगा, भारत तो है नहीं कि पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया फिर भी हम उससे मित्रता निभाने की बातें करते रहते हैं, और ज्ञानी पुरुष कुछ भारत में है वो ज्ञान बांटते रहते हैं, बोलते हैं इमरान खान को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, नहीं तो वो उनकी ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए यहाँ इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। खैर, अब जर्मनी और फ्रांस जब ऐसा काम कर लेते हैं तो दोनों में और ज़्यादा कटुता बढ़ जाती है, और शत्रुता बढ़ जाती है। नेक्स्ट रूस और टर्की के बीच में भी संघर्ष चलने लगता है। ये किस कर, तो यहाँ का रीजन था स्लाव रीजन, इस पर क्या कर लिया था, रूस अपना अधिकार चाहता था, तुर्की या टर्की जिसे कहते हैं वो अपना अधिकार चाहते थे, वो दोनों देश लड़ रहे हैं। अगला बालकान की समस्या आ जाती है। ये समस्या प्रमुख रही और लंबे समय तक रही, यूरोप के प्रत्येक देश इस पर अपना अधिकार हस्तक्षेप चाहते थे, तो आपस में इनमें क्या शत्रुता बढ़ाती रहती है। मेन कारण है, जैसे हमारे यहाँ 1857 की क्रांति में हम ढेरों कारण पढ़ लेते हैं, सोशल कॉज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लेकिन एक आता है तात्कालिक कारण क्या था, कुछ तो था जो आग अचानक से इतनी बड़ी हो गई, है ना। तो वो कारण ये था कि ऑस्ट्रिया का जो शासक था उसके अपने कोई पुत्र नहीं था, उसका भतीजा था, नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये उसका भतीजा था, लेकिन इसी को अब नेक्स्ट राजा बनना था क्योंकि और कोई वारिस नहीं। तो ये राजकुमार थे वहाँ के, ये अपनी वाइफ सोफिया के साथ बोस्निया की राजधानी में गए हुए थे, वहाँ इनकी हत्या कर दी गई दोनों की गोली मार के। मतलब एक देश का भावी शासक यानी होने वाला राजा और उसकी पत्नी को बोस्निया में हत्या कर दी गई। अब ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने यह आरोप किस पे लगा दिया, सर्बिया पे लगा दिया कि ये हत्या आपने कराई हुई है। सर्बिया अलग देश है, ठीक, रशिया नहीं है, ये सर्बिया है, आगे नहीं, रूस का पार्ट नहीं, सर्बिया अलग देश है, रूस का पार्ट बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सब है। वास्तव में घटना ये थी कि इनकी हत्या ऑस्ट्रिया के ही लोगों ने की थी, एक सरफिरा था वो पसंद नहीं करता था तो उसने गोली मार दी। आरोप ऑस्ट्रिया किसको लगाता है, सर्बिया को जानबूझकर लगाता है, उसे पता होने के बाद भी। रीजन था कि इस रीजन को लेकर दोनों में पहले से झगड़ा चल रहा था, बोस्निया और हर्जेगोविना, ये आज राष्ट्र हैं, तो इनको लेकर के दोनों में क्या चल रहा था, पहले से तनाव था। ऑस्ट्रिया को अवसर मिल गया, उसने आरोप लगा दिए कि तुमने हमारे राजा को मरवा दिया, होने वाले राजकुमार की हत्या कर दी, अब इसका बदला लेके रहेगा, नहीं तो बदला क्या लेके रहेंगे। उन्होंने इनके सामने कुछ डिमांड रखी जिसमें 10 डिमांड थी, तो उनको कहा जाता है 10 सूत्रीय मांगे, और इसके लिए टाइम लिमिट भी दे दी कि ठीक 48 घंटे हैं इनको पूरा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। और वो मांगे ऐसी थी जो ऑस्ट्रिया उसके सर्बिया के लिए स्वीकार करना मुश्किल था, अपार धनराशि मांग रहे थे, प्लस उसका कुछ रीजन कुछ क्षेत्र था वो भी लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, नहीं। अब इसी बीच क्या होता है कि ऑस्ट्रिया धमका रहा है सर्बिया को कि ये पूरा करो नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे, और बैठे बिठाए जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एक लेटर भेज दिया 5 जुलाई 1914 को कि तुम्हारा जो भी डिसीजन हो इस सर्बिया के मैटर पर हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ, ठीक। तो ये तो एक ऐसा ब्लैंक चेक मिल गया जिस पर सिग्नेचर है, अमाउंट आपको भरना है, नहीं मतलब ऑस्ट्रिया के हाथ में तो लॉटरी लग गई कि जर्मनी जैसा देश वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, और अपनी साइड से खुद ही बोल रहा है कि जो भी निर्णय लेते हो हम कमिटेड हैं आपके साथ, कि जैसा भी आपका डिसीजन होगा हम आपके साथ रहेंगे। ऑस्ट्रिया और ज्यादा पावरफुल हो गया, उसने आक्रमण कर दिया सर्बिया पर, बोला जर्मनी जब मेरे साथ है तो 28 जुलाई को इसने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, ठीक है।
अब सर्बिया पर आक्रमण होता है, रूस इस समय वो एक्टिव हो जाता है। रूस देखता है, वॉच तो कर ही रहा था इन परिस्थितियों को, कि ये मुद्दा किसके बीच चल रहा था, बोला ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में, रूस का दुश्मनी किससे, जर्मनी से। बोला अच्छा तुम ऑस्ट्रिया के साथ हो, तो बोला हम सर्बिया के साथ हैं। तो रूस सर्बिया की साइड से ऑस्ट्रिया के खिलाफ आ जाता है। यानी जो एक और एक दो देश थे, अब इनके साथ एक देश आ गया, इनके साथ भी एक देश आ गया, ठीक है। अब रूस किसके साथ आया, सर्बिया के साथ। रूस की मित्रता किसके साथ थी, फ्रांस के साथ। तो मेरा दोस्त फिटेगा तो मैं भी आऊंगा नहीं, तो फ्रांस रूस के साथ आ जाता है। तो सर्बिया का पलड़ा अब कैसा हो गया, भारी हो गया, मतलब ऑस्ट्रिया को ये 10 सूत्री मांगे उल्टी पड़ने लगी, ठीक। तो अब रूस भी इसमें, फ्रांस भी इसमें आ जाता है। और जब फ्रांस आ गया तो कुछ दिनों बाद इंग्लैंड भी आ गया, बोला जब यहाँ पर धुआंधार बैटिंग हो रही है तो क्यों ना हम भी 2-4 शॉट अजमा लें। तो इंग्लैंड भी 4 अगस्त 1914 को इसमें इन्वॉल्व हो गया। यानी ये युद्ध सामान्य सी झड़प से शुरू होता है और कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। विश्व युद्ध कहने का कारण इसको यही है कि लगभग लगभग 70% देशों ने भाग लिया, भारत ने भी भाग लिया इसमें। इस युद्ध में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। क्यों किया था, कि उस समय हमारे ऊपर इंग्लैंड का अधिकार था, और इंग्लैंड जब इसमें कूद गया तो हम शुरुआती दौर में तो इंग्लैंड को ही अपना सब कुछ समझ रहे थे। शुरुआत में हमने बात ही नहीं की हमें स्वतंत्रता चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्या करते थे, होम रूल, उपनिवेश बना दो, झंडा तुम अपना लगाए रहो, बस हमें अपने इंटरनली थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दो। तो भारत के 5 लाख लोग भाग लेते हैं इस युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और 47,000 शहीद हो जाएंगे, ठीक। और गांधी बाबा जब आए थे ना, तो उन्होंने काम भी किया था, क्या यहाँ युवाओं को मोटिवेट करते थे और उनको भर्ती कि सेना में भर्ती हो जाओ, ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ो, तो इन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के संदर्भ में भी तैयार करना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध और भारत, तो ये घटनाएं हमें बतानी पड़ेगी। तो स्थिति समझ में आ गई, ऑस्ट्रिया और सर्बिया शुरू हो गया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ हो गया, तो फिर फ्रांस रूस इंग्लैंड ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। आगे क्या अपडेट चलता है, अब लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, अलग अलग मोर्चों पर फाइट शुरू हो जाती है। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये है जर्मनी, दिख रहा है, ये है फ्रांस, और ये जो रेड लाइन बनाई गई है यहाँ टकराव होगा दोनों में। तो पश्चिमी मोर्चा यानी जर्मनी के किस साइड में ये चल रहा है, पश्चिम की ओर चल रहा है ये जर्मनी, इस साइड में अब फाइट होती है। क्या फाइट होती है, तो समझना कि जर्मनी का अब मोटिव मेन क्या है, जर्मनी को सर्बिया और ऑस्ट्रिया से कोई लेना देना नहीं है, है ना, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, उसको तो मेन मोटिव जो है उसकी नजर किस पर है, फ्रांस पर है। ये जर्मनी, ये यहां पर फ्रांस आ जाता है, ठीक। अब फ्रांस पर अधिकार करना चाहता है कौन, जर्मनी। बोला लड़ाई छिड़ेगी तब तो कोई भी किसी को मार दे, क्या फर्क पड़ता है, बाद में बैठ के कंप्रोमाइज तो करेंगे। तो अब फ्रांस पर अधिकार करने के लिए उसने सबसे पहले बेल्जियम पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी, ठीक है। जर्मनी का मोटिव पहले से समझ चुके थे ये देश कि जर्मनी का मेन टारगेट ये है, तो क्या किया, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने बेल्जियम की ओर से आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट फ्रांस पर ही तो पहुंचना है, तो क्यों ना पहले ही रोक दिया जाए। तो जब फ्रांस जाता है तो इंग्लैंड भी इसके साथ जाता है, बेल्जियम की ये सहायता करते हैं। जर्मनी ने इन सब को हरा दिया, यानी उसने बहादुरी से इनका सामना किया और इनको पराजित कर दिया। और पेरिस से मात्र कितनी दूर रह जाती है उसकी सेना, 15 मील, ओनली 15 मील पेरिस इनके कब्जे में आ जाना था। मगर यहाँ पर एक नदी आती है, मार्न नदी, वहाँ पर फिर से फाइट होती है फ्रांस की सेना, इंग्लैंड की सेना और इसमें, और ये फाइट
बिना किसी निर्णय के होती रहती है। यानी वो 15 मील की दूरी उनको तय नहीं करने दी जर्मनी की सेना को, ठीक। और ये कौन से मोर्चे पर घटनाएं चल रही हैं? ये घटनाएं चल रही हैं पश्चिमी फ्रंट पर, वेस्टर्न फ्रंट पर, ठीक है। तो इनका अब सपना था जर्मनी का कि मैं पेरिस पर अधिकार कर लूंगा, वो अभी सपना ही रह गया। दूसरा फ्रंट और ओपन हो जाता है, पूर्वी मोर्चा, ईस्टर्न साइड में। यहाँ पर ये जर्मनी, और जर्मनी के पूर्व में ये पोलैंड आ जाता है, यहाँ बेलारूस, ये अभी जो राष्ट्र बने रूस से कट के यूक्रेन। तो अब यहाँ क्या आ जाता है, जर्मनी, और नीचे ये ऑस्ट्रिया बना हुआ है। नीचे यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा इटली दिख रहा होगा। पूर्वी मोर्चे पर रूस क्या करता है, प्रशा पर आक्रमण। प्रशा मतलब जर्मनी। तो ये रूस, ये सब रूस का हिस्सा है ना, तो रूस अब पूर्वी साइड से इन पर आक्रमण कर देता है। और इधर जर्मनी कहां बिजी था, पश्चिम में। जब पूर्व से रूस ने अटैक कर दिया तो अब उसको पश्चिम से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। तो जर्मनी को पश्चिमी क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाता है, और इसका सैनिक कमांडर बनाया गया हिंडेनबर्ग को। एक लाइन पढ़ते हैं ना, हिंडेनबर्ग रेखा, तो उन्हीं व्यक्ति के लीडरशिप में ये रूस को पराजित कर देता है। अच्छा, रूस क्यों पराजित हो गया? रूस में अंदर ही अंदर वहां पर रेवोल्यूशन चल रहा था, स्थितियां खराब थी रूस की क्रांति में, ये बात समझे होगे, करप्शन व्याप्त था। तो जब रूस हार जाता है तो उसके शासक जो जार निकोलस था, रूस की जनता विद्रोह कर देती है और उनकी यहाँ क्रांति कर देती है। एक तो जर्मनी से पिटे और उनकी जनता से भी पिटे। तो रूस में, रूस अपने आप को अलग कर देता है इस युद्ध से, नई कम्युनिस्ट व्यवस्था बन गई और रूस यहाँ पर अलग हो गया। तो पूर्वी मोर्चे में ये अपडेट याद रहेगा। ये दोनों घटना, या ये लिखनी नहीं है, ध्यान रखना, घटनाओं को इतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा मेंशन करना है हमें, कारण और प्रभाव और होने वाली संधियां उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन स्टोरी समझ में तभी आएगी ना, राइट। अब एक और मोर्चा चलेगा, और वो चलेगा दक्षिण में। दक्षिण में क्या होता है, दक्षिण में समझ लो कि इटली अभी तक शांत बैठा था। इटली की सीमाएं टच हो रही हैं इन सब देशों से जो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक। अब इटली वेट एंड वॉच की स्थिति में था, जब उसने देखा कि ये सब आपस में किसी ना किसी के साथ मिल गए हैं, अगर कहीं बाद में इनको ज़्यादा साम्राज्य मिला, यानी प्रॉफिट का बंटवारा होगा, तो मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं आने वाला, तो चलो अब कुछ तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इटली ने, जो मित्र राष्ट्र मतलब इंग्लैंड फ्रांस, इनकी ओर से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। उसने देखा ऑस्ट्रिया ही कमजोर है, ठीक है, और उस पर वो आक्रमण कर देता है। लेकिन ये इटली, ये दिख रहा है ना, ये भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, यहां पर इसने आक्रमण कर दिया। बट आक्रमण में ये हार जाता है, ऑस्ट्रिया इसको निपटा देता है। अब इटली जिस सोच के साथ आया था वो तो पूरा हुआ नहीं। पहले तो पराजित हो गया 1915 में, बाद में ऑस्ट्रिया 16 में फिर आक्रमण कर देता है इटली पर, ठीक। तो नीचे देखो, वहां लिखा है कि ऑस्ट्रिया ने इटली पर 1916 में आक्रमण कर दिया। अब ऐसी स्थिति में रूस इटली का साथ देता है और ऑस्ट्रिया यहाँ कमजोर पड़ जाता है रूस के साथ आने की वजह से। रूस में चूंकि अब व्यवस्था चेंज हो चुकी है, कमजोर पड़ जाता है। तो ऑस्ट्रिया मैसेज भेजता है किसको, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को। अमेरिका यहाँ आ चुका है, वो आया नहीं था, मजबूरी में बुलाया गया। उसका एक सिविलियन जहाज था, उसको जर्मनी ने डुबो दिया। तो बस डुबो दिया तो ईगो हर्ट हो गया, तो वो भी इसमें आ जाता है। अब इसके आने से मित्र राष्ट्रों की स्थिति मजबूत हो जाती है, नहीं तो अभी तक जर्मनी के सामने ये परेशान थे। तो सर, ये ऑस्ट्रिया इनको मैसेज भेजता है कि हम बिना शर्त सरेंडर करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं। तो वहाँ उनके साथ समझौता हुआ। तो इस युद्ध में ऑस्ट्रिया, जिसने बीज बोए थे लड़ाई के, बाहर हो गया, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे अब समुद्र में भी फाइट हो रही है, और समुद्र में सबसे शक्तिशाली कौन है अभी तक, इंग्लैंड है, क्योंकि उसकी नेवी बहुत मजबूत है।
नेवी की मजबूती की वजह से ही वो लंबे समय तक दूसरे देशों में शासन कर पाते। इधर जर्मनी ने बोल दिया था कि तुमसे अच्छी सेना बनाऊंगा, नहीं तभी लौट के आऊंगा, ऐसा डायलॉग मारा होगा उसने। अब 1914 में इंग्लैंड ने जर्मनी के कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई और यहाँ एक स्थान है होली गोलैंड के पास, जर्मनी को वो पराजित भी कर देता है। तो जर्मनी को पराजित कर देता है मतलब ये तो माना ही जा रहा था कि इंग्लैंड की नेवी बहुत पावरफुल है, तो कोई बड़ी घटना नहीं, उसने हरा दिया तो हरा दिया। लेकिन जर्मनी ने चिली पोर्ट के पास इंग्लैंड को पराजित कर दिया, ये बड़ी घटना हो गई। मतलब क्या बड़ी घटना हो गई कि अफगानिस्तान किसी भी टीम से हार जाए क्रिकेट मैच में तो कोई मतलब रूटीन वर्क है, और अफगानिस्तान पीट दे भारत को, पाकिस्तान को, वेस्ट इंडीज को, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, तो मतलब ये तो ऐसा हो गया कि वर्ल्ड वार 4-5 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो। तो जर्मनी ने इंग्लैंड को परास्त कर दिया चिली के पोर्ट पर और माँ का बाप का भाई का बदला ले लिया। अब इंग्लैंड शांत तो रहने वाला नहीं है, तो दिसंबर 1914 में फॉकलैंड आइलैंड के पास इसने पूरे जर्मनी का पूरा बेड़ा मतलब पूरा एक फाइटर एक प्रकार से शिप थे उस सबको नष्ट कर दिया, यानी फुली रिवेंज ले लेता। ठीक है, तो इस समुद्र में ये स्थितियां चलती हैं। इस युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्थल पर भी लड़ा जा रहा है, पानी में भी लड़ा जा रहा है, आसमान में भी लड़ेंगे। ठीक है, अब अमेरिका इस युद्ध में आता है 6 अप्रैल 1917 को, जब इसका एक सिविलियन जहाज डुबो दिया गया। उसके आने से मित्र सेनाओं की स्थिति मजबूत हुई, उसके पहले तो जर्मनी उनको अच्छे से घुमा रहा। जर्मनी के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और एयरक्राफ्ट से जो युद्ध होता है वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। आमने सामने लड़ेगा तो पास में आएगा तो इक्का डंडा में भी जमा लूंगा, ऐसा आदमी सोच लेता है, लेकिन ऊपर से आपके ऊपर बम फेंक दिया जाए तो कहाँ जाओगे। तो इस प्रकार से जिन जिन देशों के पास एयरक्राफ्ट थे बम्बार्डिंग करते थे, तो बम्बार्डिंग में सिविलियन ज़्यादा मारे जाते थे, उनको नुकसान पहुँचता था। तो जर्मनी इसमें विन विन की पोजीशन में आ जाता है। ठीक, आगे क्या होता है, अब ये युद्ध तो पहुंच गया, 14 से शुरू हुआ था, जर्मनी कैसे आत्मसमर्पण करेगा, ऑस्ट्रिया को तो समझ गए ना, वो तो सरेंडर कर चुका है। 1917 तक मित्र राष्ट्रों की स्थिति बहुत खराब है। अब अमेरिका के आने के बाद इन्होंने अपनी सम्मिलित सेनाओं का कमांडर नियुक्त किया जनरल फौच। जनरल फौच की रणनीति चेंज काफी अलग थी दूसरे सेनापतियों से। अब यहां से इनको विजय मिलना प्राप्त हो जाती है। बुल्गेरिया जो जर्मनी के साथ था इसने भी सरेंडर कर दिया 28 सितंबर 1918। तुर्की ये भी जर्मनी के साथ था 31 अक्टूबर, ये भी समर्थन को सरेंडर कर देता है। अब जर्मनी अकेला लड़ रहा है और वो सरेंडर की सोच भी नहीं रहा, लेकिन जर्मनी जैसे कहते हैं ना कि जर्मनी के अंदर ही क्रांति हो गई, वहां की जनता ने वहां का शासक जो था कौशल ज्योतिर उसके खिलाफ क्रांति कर दी, तो बेचारे को अपने बीवी बच्चों के साथ जर्मनी छोड़ के भागना पड़ा हॉलैंड में जाना। तो जब देश जो व्यक्ति सत्ता संभाल रहा था उसी को जाना पड़ रहा है तो युद्ध का नेतृत्व अब कौन करेगा। तो यहाँ आकर के फिर 11 नवंबर 1918 को जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा। तो ये युद्ध 4 साल 3 महीने 11 दिन चला, और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के 70% देश सम्मिलित हुए। तीनों स्थानों पर लड़ा गया और अपार जन धन की नुकसान हुआ, इसलिए इसको विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये विश्व युद्ध समाप्त होता है। मतलब ये कारण क्या घटनाएं थी याद रहेंगी स्टोरी वाइज। अब इसमें हमें पढ़ना है इसके परिणाम, क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, अगला टेस्ट होगा उसमें आपको यही पूछूंगा, तुम लोग स्किप कर जाते हो, आते ही नहीं हो टेस्ट वाले दिन, गिने चुने लोग टेस्ट लेते हो, बाकी तो डरते रहते हो, तो डरते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये तय। ठीक, यहाँ तक की स्थिति क्लियर।
तो इसका जो परिणाम है उनको कल कंप्लीट करेंगे, तो इसको अच्छे से कर लो और एक ब्रेक ले लो 10 मिनट का, 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर